फूडीज वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ मैं और फूडीज। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज मम्मी ने होली के अवसर पर काफी सारी चीजें बनाई हैं, तो पहले मैं बता दूं मम्मी ने बनाए हैं छोले भटूरे, छोले चावल, ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी और ये है खीर। यहाँ पर गुंजिया, ये ना मेरी मम्मी नानी के गई थी तो वहीं पर बना के लेके आई थी, तो नानी के घर की गुंजिया है ये, एकदम देसी देसी खोए से बनी हुई। यहाँ पर पापड़ हैं, चावल हैं और ये नींबू सैलेड वैलेड ये सब है, क्योंकि आपको पता है होली पे फ्राइम्स तो आई थिंक ही इंडिया में बनते हैं लोगों के घर में। होली वाले दिन पकौड़े, फ्राइम्स, चाय, नाश्ता, ये पूरे दिन चलता रहता है ना फूडीज। सच सच बताओ, और आपको फूडीज होली पे क्या सबसे अच्छा लगता है, होली खेलना या होली पे पूरा दिन जो चटर पटर चलता रहता है, मस्त मस्त खाना? वो मुझे ना बचपन में खेलना ज़्यादा पसंद था, पर अब खाना ज़्यादा पसंद है। तो पहले ना बातें ना बाद में करेंगे और खाना शुरू करते हैं छोले भटूरों से। पहले नींबू डाल लेते हैं, और ये मिर्ची मैंने फ्राई की गई है गाइस, दिल्ली में तो पता है ना आपको, छोले भटूरे उनके साथ फ्राइड चिली मस्ट। थोड़ी सी सब्जी पर भी, थोड़ी सी, होली का टाइम है तो सब लोग घर पर ही हैं अपने, तो आपको शोर आ सकता है बाहर से। माइक को बाहर निकाल लगाती हूँ, अंदर की साइड हो गया।
इतनी टेस्टी लग रही थी। बिल्डिंग में पूरा दिन शोर रहता है, इसलिए मेरे को रात को वीडियो बनाना पसंद है। भटूरे की लास्ट बाइट। आई थिंक चावल थोड़े ज़्यादा है, मैं निकाल देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लूँगी। अच्छा, वो चावल निकाल देते, छोले ही कम पड़ गए।
आपको छोले चावल ज़्यादा पसंद है या छोले भटूरे या छोले पूड़ी, मतलब छोले किसके साथ ज़्यादा खाना पसंद है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। माय गॉड, आज तो बहुत हैवी हो गया। जी बात है, क्योंकि अगर गुंजिया नहीं खाई तो क्या फ़ायदा होली वीडियो का, है ना फूडीज। मशीनें चालू हो गई लोगों के घरों की। पड़ोसियों का घर का कोई काम नहीं हो रहा, पर इनके हर दिन कुछ ना कुछ ड्रिल होता ही रहता है। एक तो होता है किसी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि वो बन रहा है, पर एक ये इनके हर तीसरे दिन ड्रिलिंग होती रहती है। कहीं ये दीवारों में लाशें तो नहीं चुनवाते। हो सकता है। अरे हाँ, शांत हो जा, सब मेरे वीडियो खराब करने पे ही लगे रहते हैं। पापा ने अब बंद करवाई ड्रिलिंग, क्या फायदा, खा तो लिया मैंने। एक खाने का मन था, दो खा ली मैंने टेस्ट टेस्ट में। कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, होली का त्यौहार है, पूरे दिन सब खाते पीते ही रहेंगे। और गुंजिया तो कई दिनों तक रखी जाती हैं फूडीज। हमने ना नमक पारे और मठरी भी बनाई थी, बड़ी स्वेट भरिया। ये सब मैं धीरे धीरे पूरे दिन में खा लूँगी। हाँ फूडीज, सबसे पहले बताओ ये ब्लैक बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? ये कर्टन जो है ब्लैक वाला, ये मेरी फ्रेंड शिवांगी ने मुझे दिया है। मैं लेने वाली थी, मैंने उससे डिस्कस, मतलब डिस्कस तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बहुत ही मीटिंग वाली बातें कर रही थी, मतलब कॉल पे बातें कर रही थी। और फिर मैंने उससे बोला यार मुझे एक ब्लैक कर्टन लेना है, बैकग्राउंड चेंज करना है। तो उसने कहा अरे मेरे पास है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा नया है, मैंने एक बार भी नहीं यूज़ किया। मैंने कहा फिर क्या, उसने मुझे दे दिया, हो गया ना मेरा काम। सही लग रहा है बताओ ब्लैक बैकग्राउंड? और क्या बोलने वाली थी, सबसे पहले तो कि गाइज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट देखती हूँ, जो भी आप बोलते हो कि दीदी ये खाओ वो खाओ, उल्टा ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे को आइडियाज़ नहीं आते, आप मुझे आइडियाज़ देते हो। लेकिन फूडीज़ एक बार में 10 लोगों ने जैसे मुझे रिक्वेस्ट भेज दी, तो मैं एक साथ थोड़ी एक ही वीडियो में थोड़ी ना सब लेकर आ जाऊँगी, एक के बाद एक वीडियो आएंगी। तभी तो किसी ने रोल्स के लिए बोला था, स्ट्रीट फूड के लिए बोला था, बंगाली फूड के लिए बोला था, मैगी के साथ मैं मोमो ग्रेवी मोमो खाने के लिए, वो भी मैं पूरा करूँगी फूडीज़। लेकिन थोड़ा समझो ना, घर को थोड़ा देखकर चलना पड़ता है कि मैं कब क्या बना सकती हूँ इनमें से क्या नहीं। पर आपके आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इन पर मैं वर्क करूँगी और इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी फूडीज़। और हाँ, जो मेरी हेल्थ को लेकर कमेंट कर देते हैं ना, अच्छी बात है, बहुत से लोग कंसल्ट दिखाते हैं लेकिन जो बैड कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को बता दूं ये वाली वीडियो अब
कौन सी थी लास्ट वीडियो, कौन सी थी फूडीज? समोसे वाली वीडियो। आपके लिए 2 दिन का गैप है पता है वीडियोस में। मैं 2 हफ्ते बाद अभी कुछ हैवी खा रही हूँ, जैसे छोले भटूरे खा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नानी के गई हुई थी, जैसे मैंने बताया कि गुंजिया नानी के से लेकर आई है मम्मी। फूडीज आप लोगों के लिए, जैसे मैंने वीडियो बनाना ही फिर से स्टार्ट किया था ना, जो बीच में गैप आ गया था, तो मैंने पहले ही कंटेंट काफ़ी सारा शूट करके रख लिया था। हो सकता है ब्लैक मैंने बैकग्राउंड ले आया है, तो और भी मेरे पास शूट करी हुई वीडियो है, वो भी मैं डालूंगी इसके बाद में, उनको वेस्ट थोड़ी जाने दूंगी मैं। तो आप ये मत समझना कि मैं अपने साथ खिलवाड़ कर रही हूँ कोई। आप खुद ही सोचो, 2 हफ्ते बाद खा रही हूँ मैं समोसों के बाद में अब ये छोले भटूरे और ये सब, तो अच्छा खासा गैप आया है इसके बीच में। मैंने बाहर का स्ट्रीट फूड छुआ तक नहीं है इतने दिनों में, और मोस्टली मतलब आप देख ही रहे हो कि 90+% मैं अपने घर पर ही कुक कर रही हूँ सब कुछ। घर आज का भी सारा फूड होममेड ही था, कुछ भी बाहर से नहीं आया था सिवाय इन फ्राइंस के और पापड़ के। ओके फूडीज, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें फूडीज। और हाँ, एक और बार आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, बाय बाय।